नमस्कार, मैं मोहन कंठ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सामाजिक संवाद में। हम चलते हैं 2012 में, जब दिल्ली में एक नई पार्टी जन्म ले रही थी, आम आदमी पार्टी। बहुत लोग ऐसे थे जो तब से जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के साथ, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। उन्हीं में से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं, प्रदीप मौर्य जी, जो शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ रहे। संगम विहार में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तब वो जुड़े रहे। वो कुछ कहना चाहते हैं, जानते हैं उन्हीं से कि क्या शिकायत है आज आम आदमी पार्टी में उनको और क्या प्रॉब्लम है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से समझते हैं। स्वागत है प्रदीप जी आपका सामाजिक संवाद में। आज आपने भी पार्टी छोड़ दी, क्या कारण था पार्टी छोड़ने का? पहले तो मैं सामाजिक संवाद का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पार्टी से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया, अपने सारे पदों से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि जब हम इस अन्ना आंदोलन से और इस पार्टी से जुड़े थे तो हमें एक कसम खिलाई गई थी कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दिल्ली में आए हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद हमारे स्थानीय विधायक संगम विहार के दिनेश मोहनिया जी हैं और हम ये भी जानते हैं कि विधायक जी की कितनी ही भ्रष्टाचार चल रहा है विधायक जी के सामने, और विधायक जी अनदेखा करते हैं। और हमारे संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया जी के द्वारा हमारे संगम विहार में कम से कम संगम विहार में 30 से 35 अवैध टैंकर चलते हैं जो जनता को फ्री मिलने चाहिए, लेकिन बट वो टैंकर 2 से 3 हज़ार रुपये में जनता को दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है संगम विहार की जनता के साथ? हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि संगम विहार की जनता को और पूरी दिल्ली की जनता को हर रोज़ 700 लीटर पानी मिलेगा फ्री, वो भी। लेकिन आज संगम विहार की जनता को 5 साल पूरे होने वाले हैं कुछ महीनों में, लेकिन हमारी संगम विहार की जनता को अभी तक 700 लीटर पानी मुफ्त नहीं मिला। जनता को बोरवेल का सहारा लेना पड़ रहा, वो भी बोरवेल में भी संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया ने बोरवेल कराया, लेकिन बोरवेल कराने के बाद वो बोरवेल पानी माफियाओं को 2 से 3 लाख रुपए में बेच दिया गया। और बेचने के बाद वही जनता से, वही बोरवेल के जो माफिया लोग हैं, वह लोग जनता से 2000 रुपये महीना वसूला जा रहा है और उसमें से कमीशन मंथली जाता है विधायक जी को। जैसा आपने बताया जल माफिया को लेके, ये सामाजिक संवाद नहीं कह रहा है, ये पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं जिन्होंने 6 साल 7 साल पार्टी के साथ बिताया है। आप निगम पार्षद की बात करते हैं, कौन से निगम पार्षद? हमारे निगम पार्षद है उर्मिला यादव और जीतू, जो संगम विहार में दोनों ही निगम जितेंद्र कुमार, हाँ जितेंद्र कुमार, वो हमारे दोनों ही निगम पार्षद हैं और विधायक भी हमारी ही पार्टी के हैं। लेकिन पार्टी के विधायक और निगम पार्षद मिलकर संगम विहार में जल माफिया का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए संगम विहार में विधायक जी कहते हैं 70 से 80 बोर हुए हैं उनकी सरकार में, उनके कार्यकाल में। आखिर 70 से 80 बोर हुए तो संगम विहार में अभी भी पानी की समस्या क्यों है? पानी की समस्या का हल क्यों नहीं किया जाया गया? आखिर विधायक जी जल बोर्ड उपाध्यक्ष हैं जो दिल्ली का पूरा ही पानी का कार्यकाल देखते हैं, लेकिन संगम विहार के विधायक और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते अभी तक संगम विहार में पानी की समस्या और जल भराव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? प्रदीप जी, आप शुरू से पार्टी के साथ जुड़े रहे, जब ये सारी बातें आपको पता थी, आप अंदर तक झांक के देख चुके हैं, तो पहले क्यों नहीं बोला आपने? आज ये पार्टी छोड़ने के बाद ये मन का दुख क्यों बाहर आया? मन का दुख इसलिए आया क्योंकि पार्टी हमारा खुद का परिवार था। हमने इस पार्टी को अपने साथियों के साथ, हमारे 20 लोग की टीम थी संगम विहार विधानसभा में, हमारे सभी साथी थे, लेकिन संगम विहार में जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी में एक भी नहीं है, सिर्फ अब मैं ही एक कार्यकर्ता जो बचा हुआ था संगम विहार में, इस चीज़ों को सहन करता रहा। क्योंकि सहन इसलिए करता रहा क्योंकि हमें पार्टी में सिखाया गया था कि सच बोलना है, लेकिन सच को सहन भी और झूठ को भी सहन करना बहुत बड़ी बात होती है। इस वजह से मैं 4.5 सालों से सहन करता रहा पार्टी जी और विधायक जी की जो बातें हुई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब जब चुनाव आया है तो चुनाव के वक्त ही विधायक जी काम भी करवा रहे, लेकिन काम इस हिसाब से हो रहा है, संगम विहार में 3 किलोमीटर की सड़क है हमारे रतिया मार्ग, लेकिन 3 किलोमीटर की सड़क आप 4.5 साल में नहीं बनवा पाए तो आप कब विकास करेंगे हमारे संगम विहार का? क्या कारण था, अभी तो शुरू से पार्टी से जुड़े रहे, क्या कारण था जो अभी तक ये 3 किलोमीटर रतिया मार्ग की सड़क नहीं बन पाई? अब विधायक जी हैं, अब ये सोचिए विधायक जी के पास एक बाइक लेने के लिए पैसे नहीं थे इलेक्शन में, उनको जब से वो विधायक बने आखिर उनकी 50 गुना संपत्ति बढ़ गई, आखिर ये कहाँ से आई? क्योंकि संगम विहार में बहुत सारे ऐतिहासिक काम के लिए पैसा आया था सरकार से, दिल्ली सरकार ने। क्या क्या काम थे वो? संगम विहार के लिए 90 करोड़ रुपए पानी और सीवर के लिए दिए गए थे, उसका कार्य अभी तक हमारे संगम विहार विधानसभा में। लेकिन आम आदमी पार्टी आए दिन पोस्ट डालती है कि सीवर लाइन का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है, पानी भी लगभग लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है? आप ये सोचिए संगम विहार की हर गली में आप जाके देखिए, वहाँ पे उनसे पैसा मिल रहा है तो पैसा कितना लिया जा रहा है? आखिर संगम विहार में विधायक जी द्वारा प्लांट चल रहे हैं, आखिर वो प्लांट संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया के जो रिश्तेदार हैं और विधायक और निगम पार्षद के जो खास आदमी हैं
वो चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आखिर वो संगम सोनिया बिहार का पानी है, वो जनता को मिलना चाहिए, वो फ्री में मिलना चाहिए, उसके पैसे क्यों लग रहे हैं? जनता उस पानी को खरीद के पी रही है। तो कल तक तो आप लोग ही कहते थे ना कि विकास एक दिन में नहीं होता, विकास चार दिन में नहीं होता, विकास करने के लिए समय चाहिए। आज वो समय कहाँ गया? आज आप खुद उन पर उंगली जो उठा रहे हैं, किस लिए आज आपने पार्टी छोड़ दी? सिर्फ यही कारण है कि आपके मन में कुछ और बात है? हमारे मन में कोई बात नहीं, मन यही है कि हमने सहन किया, लेकिन विकास की भी कोई सीमा होती है। इन्होंने विकास क्यों नहीं किया? 4.5 साल में हमने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद कुछ साल शांत भी रहे, शांत होने के बाद अब हमारा गुस्सा फूटा है, इस वजह से मैं पार्टी के पास से इस्तीफा भी दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और हाईकमान ने दिल्ली के संगम बिहार विधानसभा से दिनेश मोनिया जी को दोबारा से टिकट दिया, तो हम इसका विरोध जमीन पर अपने साथियों पुराने साथी के साथ मिलकर उनके साथ जमीनी आंदोलन करेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि संगम बिहार में जो इस टाइम समस्या हो रखी है सड़क और पानी और सीवर की, जिस जो हालत इन्होंने कर रखी है वो हालत आज तक हमारे पिछले आप दिखा सकते हैं और पिछले आपने देखा भी है आप भी, लेकिन हमारे संगम बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि विधायक जी एक सोचिए, उनके पास कुछ नहीं था, एक मंजिल का मकान था, लेकिन आज उनके पास लिफ्ट वाला मकान है 5 मंजिल का, वो फॉर्चुनर गाड़ी से चल रहे हैं, महंगी एसी में चल रहे हैं, उनकी संपत्ति 50% बढ़ गई। आखिर तो आपका खुले तौर पे ये कहना है कि सब इन्होंने पानी माफियाओं से पैसा लेके या भू माफियाओं से पैसा लेके इन्होंने ये अपनी संपत्ति अर्जी है? हाँ, क्योंकि 90 करोड़ रुपए संगम बिहार के लिए आते हैं। आप सोचिए 90 करोड़ रुपए में संगम बिहार का बहुत अच्छा विकास हो जाता। संगम बिहार में 10% भी संगम बिहार में 90 करोड़ रुपए का यूज़ नहीं हुआ और पानी अभी तक 20% कॉलोनियों में पहुँचा है। आखिर ये तो क्या, ये तो अपना दावा कर रहे हैं विधायक जी कि हमने 90% घरों में पानी पहुंचा दिया। कहां से पहुंचा दिया? जनता ऐस रोड टैंकर के लिए फ़ोन करती है, आप जल बोर्ड में फ़ोन में डिटेल रखेंगे, सबसे ज़्यादा कॉल जो संगम बिहार में टैंकर के लिए आएगी वो संगम बिहार विधानसभा से आएगी, क्योंकि संगम बिहार में जल माफिया चल रहा है और वो जल माफिया विधायक दिनेश मोहनिया जी चलवा रहे हैं और कोई नहीं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जल बोर्ड उपाध्यक्ष होने के बाद संगम बिहार में पानी की समस्या को समाधान नहीं कर सकते तो कहां कर सकते। जी आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, कलों के अगर ये साबित करना को पे आया तो क्या आप साबित करेंगे? साबित भी करेंगे, क्योंकि जनता को भी पता है और हमें भी पता है। क्या आखिर एक चीज़ बताइए आप संगम बिहार में 90 करोड़ रुपए आए थे संगम बिहार में, आप सभी को पता है, और मनीष सिसोदिया जी ने ये संगम बिहार में 90 करोड़ का फंड पास किया था, यहाँ पर प्रोग्राम भी हुआ था, वो 90 करोड़ रुपये कहाँ गए? 90 करोड़ रुपये आए थे, उसका विकास 10% भी नहीं हुआ तो 90 करोड़ का इंजाम लगाना ही पड़ेगा। क्यों विकास नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ गया? आखिर दूसरी बात मेरी ये रही कि संगम बिहार में सड़क और नालियों का कार्य के लिए अभी बहुत पैसा आया था, अभी कुछ दिन बाद उद्घाटन भी हुआ। मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा कि मैं दर्शकों को ये बात बता दूँ कि समाज संवाद के शब्द नहीं है, ये उन व्यक्ति के शब्द हैं जो शुरू 2012 से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे और जो कल तक जुड़े थे, ये शब्द उनके हैं, ये खुलासा उनकी तरफ से है। आपको डर नहीं लगता आप इतनी बड़ी बड़ी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, संगम बिहार के विधायक पे, आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है, क्योंकि कॉल भी आए, मैसेज भी आए लोगों के, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि मैंने इतने संगीन आरोप लगा रहा हूँ जो साबित भी कर सकता हूँ, और ये जनता भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे आगे चल के कुछ भी मेरे साथ होता है तो उसके जिम्मेदार हमारे स्थानीय विधायक दिनेश मोनिया जी होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका। ये थे आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता में से एक, जिन्होंने इन्होंने भी आज पार्टी छोड़ दिया पार्टी के अंदर आपसी रंजिश की वजह से। आप देख रहे थे समाज संवाद, मैं मोहनकंठ कैमरामैन आकाश जैन के साथ।